अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रख सके। संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2020 को अब तक पारित नहीं किए जाने से क्षुब्ध झारखंड के खरवार भोक्ता विकास मंच द्वारा आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला फूंका गया। संविधान आदेश विधेयक 2016 संसद के लोकसभा में 14 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरान द्वारा पेश किया गया, लेकिन विधेयक को पारित करने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। वहीं संघ ने आरोप लगाया है कि 16वीं लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक लैप्स हो गया है, यानी व्याकप हो गया है। 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान में जनजातीय मंत्री के पद पे स्थापित है, लेकिन ये झारखंड के होने के बाद भी इस विधेयक को पारित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज तो खरवार भोक्ता समाज विकास संघ है, खरवार भोक्ता युवा विकास संघ की तरफ से यह पुतला दहन केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के पुतला दहन हम लोग किए हैं, क्योंकि भोक्ता समुदाय को जनजाति सूची में शामिल करने के हेतु एक विधेयक बना है, संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2020, जो अभी तक दोनों सदनों में लंबित है। और हम लोग इस पुतला माध्यम से यह कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि शीतकालीन सत्र 2021 में ही हमारे इस बिल को, इस विधेयक को पारित किया जाए। उमेश सिंह भोक्ता, केंद्रीय अध्यक्ष, खरवार भोक्ता युवा विकास संघ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।